हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी जो डांस की वीडियो चल रही थी, आज हमारी 4 नंबर की वीडियो है। अभी तक हमने 3 वीडियो देखे हैं, आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट का मतलब है आपका भूतकाल, यानी जो काल आपका बीत चुका है ना, उस काल के बारे में बात करिए। इसमें सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने इस साइड में बना रखा है। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, ही टुक माई पेन। ये आपको ध्यान रखना है, हमारी जो वर्ब होती है उस वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ पे काम ली जाती है। तो पहली फॉर्म टेक होती है, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी, टुक होती है। तो ही टुक माई पेन, उसने मेरा पेन लिया था। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। सी माने गई थी। हरी रोट ए लेटर, हरी ने एक पत्र लिखा था। आई संग ए सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया था। तो ये संग है, ये रोट है, वेंट है, गो की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक होती है। जो हमने कल प्रेजेंट टेंस देखा था ना, प्रेजेंट टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं और यहाँ पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म काम लेंगे। ये राइट की आपकी सेकंड फॉर्म है। सिंग की सेकंड फॉर्म संग होती है और यहाँ पे ईडी लगा हुआ है। कई फॉर्म के अंदर क्या होता है, ईडी लगाते हैं। प्ले के अंदर ईडी लगाने से ये आपकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। राम प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता था। ही ड्रोव ए कार, उसने कार चलाई थी। सी मेड ए डोल, उसने एक डोल को बनाया था। तो यानी ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो खाली क्या है आपकी सेकंड फॉर्म को काम लेके और हम सिंपल तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं, नकारात्मक। नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने क्या काम में लिया है, नोट का प्रयोग काम में लिया है। तो यानी शी डिड नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे हमने जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या काम में लिया था, डू और डज काम में लिया था। सिंगुलर के साथ हमने डज का प्रयोग किया था और प्लूरल के साथ हमने डू का प्रयोग किया था। अब पास्ट टेंस में क्या होता है, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो डिड होती है, डू डिड डन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे, डिड को काम में लेंगे। यानी शी डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया था। तो यहाँ पे नकारात्मक में क्या जाएगा, डिड नॉट आएगा। यहाँ पे भी हमने डिड नॉट किया है। इसी तरीके से सी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं पकाया था। अब हमारे जो तीसरे तरीके के सेंटेंस आते हैं वो क्या आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क जिसमें आता है। तो इसमें क्या होएगा, आपका डिड से सेंटेंस है वो शुरू होएगा। डिड यहाँ हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो डिड ही, जो भी आपका ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई है, शी है, या राम है, हरी है, कोई भी हो सकता है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको तो बाद में रखेंगे और डिड को पहले कर देंगे। डिड ही वेस्ट हिज टाइम, क्या उसने आपका टाइम है वो बर्बाद किया है। तो जितने मैंने ये सेंटेंस बना रखे हैं ना, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि आप ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसी तरीके से बनाओगे। लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आज आपको ये सिंपल जो पास्ट टेंस मैंने आपको बताया है, अच्छे तरीके से समझ के आपको इसका कार्य है वो पूरा करना है। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और अच्छे तरीके से इसको समझना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।